वेलकम एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th की नगीन प्रकाशन बुक की एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम 10th और 14 नंबर को। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। और हमारी क्लासेस अपडेट और क्लास नोट्स के लिए AS इंस्टीट्यूशन टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, जो 10 क्वेश्चन नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलकर आप जो बनाया है, तो ये इसमें ए की वैल्यू दी है 1 + i, कॉमा एलिमेंट्स के नंबर्स हैं -2i, 7, 3 - i, और बी के एलिमेंट्स दिए हैं 1 - i, 2i - 3 और 3 + i, और जिसमें हमें ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले a प्लस बी इज इक्वल लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, a के एलिमेंट लिखिए 1 + i, -2i, 7, 3 - i, प्लस b की वैल्यू रख लीजिए, क्या हो जाएगा 1 - i, 2i - 3i और 3 + i। इसमें आपको क्या करना है, जो रियल नंबर है रियल नंबर के साथ ऐड होगा, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी इमेजिनरी नंबर है आयोटा वाला पार्ट वो अलग से ऐड होगा। जैसे इसमें क्या करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + i, इसके साथ ऐड होगा 1 - i, -2i और +2i, इसके साथ 7 + -3 और 3 - i, +3 + i, ऐसे इस तरीके से ऐड करना है। तो -i, +i कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और -2i, +2i कैंसिल, ये क्या बना देगा 0, और -i, +i कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल आएगी 1 + 1, 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 7 में से 3 गया 4, और इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या निकलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, 0, 2, 3। तो यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर से बता दे रहा हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू निकला के है 2 कॉमन लेके 1, 0, 2, 3। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 क्या दिया है, यदि a डायगोनल, ये DAGDIAG जो लिखा होता है वो होता है डायगोनल, और a डायगोनल दिया है, b भी डायगोनल मैट्रिक्स है और c भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो a 2a प्लस b माइनस c का वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट क्या, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या दिए हैं 0, ये डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। तो ये जिसमें डायगोनल के 3 एलिमेंट हो वो समझ जाइए वो एलिमेंट वो अब मैट्रिक्स होगा 3x3 का, और जिसमें डायगोनल के 4 मैट्रिक्स दिए हों 4 एलिमेंट दिए हो तो वो 4x4 का होगा, ठीक है। तो ए एलिमेंट जो ए मैट्रिक्स जो होगा वो इस तरीके से है 1, 0, 0, फिर 0, 3, 0, 0, 0, 4, इस तरीके से ए मैट्रिक्स दिया है, जो ये होते इसे ही कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। तो ए की वैल्यू ये निकल आएगी, अब इसमें हम क्या करते हैं 2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाले, तो 2a की वैल्यू क्या निकल आएगी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 8, ये निकल आएगी 2a की वैल्यू, क्योंकि हमें 2a प्लस b माइनस c ज्ञात करना है। अब क्या हो जाएगा, b क्या निकलेगा हमारा, तो b जो निकलेगा डायगोनल की इसमें भी एलिमेंट दिए हैं -2, 0, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है 2 - -2, 1 और -1, इसमें क्या हो जाएगा 0, 1, 0, 0, 0, -1, तो ये रही b की वैल्यू। आप निकाल लेते हैं हम c की वैल्यू, तो c की वैल्यू निकाल लीजिए, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें डायगोनल के एलिमेंट दिए हैं 3 - 1 - 2, तो 3, 0, 0। इसमें ये होता है कि जब भी डायगोनल के डायरेक्ट एलिमेंट दिए जाते हैं तो डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 - 1, 0, 0, 0, -2। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं टू ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एलिमेंट रख दीजिए कितना हो जाएगा, टू ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 2, 0, 0 और 0, 6, 0, 0, 0, 8,
प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए तो माइनस टू ज़ीरो 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 वन और ज़ीरो 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 माइनस वन। और इसमें जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं कुछ भी करो, इसमें जो आता है वो विकर्ण आव्यूह का विकर्ण आव्यूह ही आता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा बाद में। तो माइनस सी कर दीजिए, सी की वैल्यू रख दीजिए ज़ीरो थ्री ज़ीरो 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 माइनस वन ज़ीरो 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 माइनस टू। तो माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस कर लेते हैं माइनस थ्री प्लस 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 के एलिमेंट कर लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके। आप तीनों को जोड़ दीजिए, टू माइनस टू कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जीरो, लेकिन माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। अब बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो 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 जीरो। अब जो मिडिल एलिमेंट दिया है सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा सेवन, सेवन प्लस वन एट, तो एट जीरो 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 क्योंकि बिगड़ आप भी आना, तो एट माइनस वन सेवन, सेवन में टू जोड़ेंगे कितना हो जाएगा नाइन, नाइन। और टू ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू निकलेगा डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स माइनस थ्री ए नाइन। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो में।